हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एनिमल किंगडम से विभिन्न प्रकार के फाइलम पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को अगर समझना है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा है क्या। अभी तक जो हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट तक जो भी एनिमल किंगडम से फाइलम पढ़े वो सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स थे। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉर्डेट। तो अगर दोनों डिफरेंस करना हो तो आज का जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं और इसके पिछले वाले जो भी टॉपिक पढ़ाए उन दोनों में पार्ट्स में अगर किया जाए तो वहां नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में डिफरेंस मिल जाता है। तो फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा नाम क्यों रखा गया ये पहले जानते हैं। देखिए, फाइलम कॉर्डेटा में कॉर्डा शब्द है। कॉर्डा का मतलब होता है यहां पर जो है नोटोकार्ड। तो कॉर्डेटा में होता क्या है कि चाहे उसकी भूलावस्था में या आजीवन किसी भी, उससे मतलब नहीं है, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। जो नोटोकार्ड है वो चाहे भूलावस्था में या आजीवन जो है शरीर को सहारा प्रदान करने के लिए एक एंडोस्केलेटन का कार्य करता है। शरीर को सहारा प्रदान करने के लिए एक एंडोस्केलेटन का कार्य कर रहा है वो नोटोकार्ड होता है। और इसी नोटोकार्ड की उपस्थिति के कारण जो है इसका नाम जो है कॉर्डेटा रखा गया। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो है अब यहां पर यह मेरुदंड यानी जिसको लोग नोटोकार्ड कह रहे हैं उस मेरुदंड से उपस्थित जिसके भी शरीर के मध्य पृष्ठ भाग में मेरुदंड उपस्थित होता है चाहे वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो भूढ़ावस्था में हो, चाहे वो जो है एडल्ट फॉर्म में हो, चाहे शिशुप्रावस्था में हो, किसी भी अवस्था में यदि वहां पर नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो उसको जो है कॉर्डेटा में रखा जाएगा। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को सहारा प्रदान करना। एंडोस्केलेटन का मुख्य कार्य होता है शरीर को सहारा प्रदान करना। अगर हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें जो कॉर्डेटा होता है जनरल कैरेक्टर की, तो ये भी जैसे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन लेवल के होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, वास्तविक देहगुहा पाया जाता है, मतलब कि देहगुहा जो है वो मेजोडर्म से बना हुआ तो यूसिलोमेट होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमी होते हैं जिसके पिछले वाले पार्ट हम लोग पढ़े हैं ड्यूटेरोस्टोमी होते हैं, मतलब कि कोरक रंध्रों में जो है मुख्य स्थान पर कोई अन्य अंग का सबसे पहले विकास होगा। बाइलेटरल सिमिट्री होते हैं, सिमिट्री इसकी जो है बाइलेटरल होती है जिसमें हम लोगों की बात कर ले तो उसके ऊपर से काटने पर ही ऊर्ध्वाधर काटने पर ही दो भागों में बटेगा, इधर से काटा जाए दो भागों में बराबर नहीं बटेगा, तो बाइलेटरल जो है सिमिट्री यहां पर पाई जाती है। तो इस तरह से यहां पर जो है ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले जान लें कि इसके स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो यहां पर जो है तीन प्रमुख रूप से जो है स्पेशल कैरेक्टर यहां पर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर यहां पर पाया जाता है। तो थ्री प्राइमरी डायग्नोस्टिक कैरेक्टर यहां पर उपस्थित होता है। ये तीन प्रमुख जो है या प्राथमिक जो है कैरेक्टर्स होता है इसकी बात किया जाए तो ये तीनों कार्डेट्स जंतु, अगर कोई भी ऐसा जंतु जिसके जीवन में किसी भी अवस्था में वो भ्रूणावस्था हो, शिशु अवस्था हो, वयस्क अवस्था हो, युवा अवस्था, उससे कोई मतलब नहीं है, वृद्धावस्था हो, मतलब क्या है कि उसमें तीन प्राथमिक मूल अद्वितीय लक्षण का पाया जाना अनिवार्य है। वो किस अवस्था में उससे मतलब नहीं, लेकिन किसी ना किसी अवस्था में होना चाहिए। अगर वो है उपस्थित तो वो निश्चित रूप से कॉर्डेट की श्रेणी में आएगा। तो पहला इसका प्रमुख जो अद्वितीय लक्षण है जो कहीं नहीं पाया जाता और किसी भी कॉर्डेट को छोड़कर कर किसी भी जो है फाइलम में नहीं पाया जाता वो होता है नोटोकार्ड। जो नोटोकार्ड है इसकी ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मेसेंडोडर्म से होती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो मेसेंडोडर्म से होती है, मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों, मेसेंडोडर्म से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। अगर इसके हम लोग प्रेजेंट की बात करें कहां पर ये जो है
स्थित होती है, कहां पर इसका लोकेशन कहां पर है, कहां पर ये स्थित है, तो इसकी लोकेशन जो होता है इन बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, इन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल और जो है जो वहां पर मेरुरज्जु होता है, स्पाइन कॉर्ड मेरुरज्जु होता है, उसके बीच में जो है उपस्थित होता है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड मैक्सिमम में क्या होता है कि केवल ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही पाया जाता है। बहुत सारे में जो होता है ये केवल जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम। कुछ में आजीवन हो सकते हैं, कुछ में आजीवन रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज तक होते हैं, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जिसमें केवल भ्रूणावस्था में होता है उसके स्थान पर जो है इसमें जो है एक उसी में जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे घिरा हुआ, ठीक है, इसी स्पाइनल कॉर्ड से घिरा हुआ एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, एक कशेरुक दंड बन जाता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये किसके स्थान पर बना है, अगर हम बात करें तो ये बना है इंस्टेड ऑफ नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड के स्थान पर जो है, लेकिन भ्रूणावस्था में नोटोकार्ड पाया जाएगा, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था यानी कि शिशुप्रावस्था में कन्वर्ट होता है, शिशुप्रावस्था जब वयस्क होता है तो वयस्क तक आते आते नोटोकार्ड के स्थान पर जो है इस स्पाइनल कॉर्ड से को घेर करके एक वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण होता है, कशेरुक दंड, इसको हिंदी में कहते कशेरुक दंड, कशेरुक दंड का निर्माण होता है जो वहां पर उस शरीर की सुरक्षा यानी शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। तो कई जंतुओं में, कई कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड आजीवन होता है, लेकिन कई जंतुओं में जो है जो कई जातियां हैं उसमें नोटोकार्ड केवल और केवल भ्रूणावस्था तक ही पाए, लेकिन नोटोकार्ड किसी न किसी अवस्था में पाया जा रहा है, अतः इन सभी जंतुओं को जो है हम कॉर्डेटा कहेंगे। दूसरा होता है सेंट्रल डॉर्सल टिब्यूलर नर्वस सिस्टम। सेंट्रल डॉर्सल टिब्यूलर नर्वस सिस्टम, नाम से स्पष्ट, सेंट्रल मतलब मध्य भाग में, डॉर्सल पृष्ठ भाग, पृष्ठ भाग के एकदम मध्य भाग में, जो पृष्ठ भाग हम लोग का उसके मध्य भाग, टिब्यूलर खोखली नलिकावत, खोखली नलिकावत, टिब्यूलर मतलब नलिकायुक्त तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो हमारा ये एकदम मध्य पृष्ठ भाग है, इस मध्य पृष्ठ भाग में एक जो है खोखली इतहरी नलिका युक्त जो है वहां पर एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसकी जो कैविटी होती है, इसकी जो गुहा होती है, कैविटी होती है, इसकी कैविटी को जो है न्यूरोसील कैविटी के नाम से जानते हैं, न्यूरोसील कैविटी के नाम से जानते हैं। तो एक खोखली सी होती है हमारे शरीर के मध्य पृष्ठ भाग में जो है उपस्थित होती है, और इसका जो अग्र भाग होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो एंटीरियर पार्ट होता है ये आगे चल करके ब्रेन बनाता है, और यही पोस्टीरियर पार्ट जो आगे चल करके स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। तो अग्र भाग उसका ब्रेन कन्वर्ट हो जाता है और पश्च भाग को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तो उन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि क्या है, जो ब्रेन है, ब्रेन और प्लस जो है स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि जो हेडिंग डाले हैं यही है, सेंट्रल डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बस डॉर्सल फॉर्म में होता है, पृष्ठ भाग में होता है, नलिका युक्त नलिका के समान होता है, खोखली नलिकादार जो होती है, इकहरी संरचना होती है, तो उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका अग्र भाग जो ब्रेन में आता है, पश्च भाग जो शेष भाग इसका पिछला होता है वो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये यहाँ पर दूसरी जो अवस्था है जो जीवन के किसी न किसी अवस्था में निश्चित रूप से पाई जाती है। तीसरा
कैसा होता है फारिंजियल गिल्स क्लेफ्ट। फारिंजियल गिल्स क्लेफ्ट ग्रसनी क्लोन दरारे, ग्रसनी क्लोन दरारे कैसे बनती देखेंगे। ये श्वसन के लिए होता है, ये भी कुछ जातियों में केवल भ्रूणावस्था तक ही सीमित होता है, कुछ जातियों में ये भ्रूणावस्था के बाद धीरे धीरे जो है ये बंद हो जाते हैं, ये जो गिल्स होता है बंद हो जाता है। कैसे बनता है ये मान लेते हैं देह दिखती है, ठीक है बॉडी वाला, ये मान लेते हैं यहां पर जो है ये ग्रसनी है, ये फेरिस है और ये यहां पर जो है बॉडी वाला। तो इस फाइल से क्या होता है, एक नलिका सदृश संरचना निकलती है, एक उंगली समान जो है अंदर की ओर प्रवर्ध निकलता है, देह भित्ति में उंगली के समान एक प्रवर्ध निकलता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, ये भी आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरह से, और जैसे ही मिल जाते हैं उसके बाद जो ये इसकी जो दीवारें होती है अलग हो जाती है और ये एक नलिका बना लेती है, ये नलिका बना लेती है। तो इस तरह से एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर बनता है, एक तरफ से इधर से उंगली सदृश प्रवर्ध निकलते इधर से निकलता, दोनों मिल करके जैसे आ जाते इन दोनों की भित्तियां नष्ट होती है, नली बन जाती है। इसको कहते हैं फारिंजियल गिल्स क्लेफ्ट, क्योंकि क्लेफ्ट मतलब दरार, क्योंकि दरारों के द्वारा बने फारिंजियल फारिंग्स के जो बना इसके निर्माण फारिंग्स से हुआ है। तो ये यहां पर जो ग्रसनी क्लोन दरार बन गया, इसको नाम दिया ग्रसनी क्लोन मतलब छिद्र और दरार। तो ग्रसनी क्लोन दरार यहां पर बना जिसके कारण जो है जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ये इसके द्वारा होती है, जो भी श्वसन की होती है। ऐसा किसमें होता है, जलीय जंतु में होता है, आजीवन जलीय में होता है। लेकिन कहोगे कि हम लोग में तो ये पाया नहीं जाता है, हम लोगों में भी पाया जाता है, लेकिन कब पाया जाता है, जब भ्रूणावस्था में होता है। जब हम लोग भ्रूणावस्था में होते हैं यानी गर्भकाल में होते हैं, तो भ्रूणावस्था में जो है फारिंजियल गिल्स क्लेफ्ट हम लोग में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आर्गन बनना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे रिस्पिरेटरी आर्गन बन जाता है, लंग्स बन जाता है, फिर धीरे धीरे उसके जो पोर होते हैं बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जैसे सुप्तावस्था में आते हैं इसका काम समाप्त हो जाता है और इसके स्थान ले लेता है लंग्स ले लेता है। तो इस तरह से जिसमें जो है जो भी जो जलीय जंतु है उसमें ये आजीवन पाया जाता है, लेकिन जो है जो स्थलीय जंतु इसके स्थान पर वहां पर उसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाते हैं। तो ये फारिंजियल गिल्स क्लेफ्ट का भी पाया जाना अनिवार्य जीवन में किसी न किसी अवस्था में निश्चित रूप से पाया। तो ये तीन जो है नोटोकार्ड सेंट्रल डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व सिस्टम एंड फारिंजियल गिल्स क्लेफ्ट ये तीन प्रमुख होते हैं। इसके अलावा भी और भी है कुछ, जैसे चौथा, ये तीन प्रमुख है अद्वितीय लक्षण है। चौथे की बात करें जैसे हार्ट, हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड होता है वेंट्रल हार्ट। अब इसके पहले हम आर्थ्रोपोडा इसके पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आर्थ्रोपोडा मैंने बताया था कि उसमें जो जो नॉन कार्डिक होते हैं उसमें जो हार्ट होता है वो डार्सल साइड में होता है, हम लोग का हार्ट आगे की होता है यानी बेंट्रल साइड में होता है। तो हम लोग का जो हार्ट होता है वो बेंट्रल साइड में होता है और एक पेरिकार्डियम नामक आवरण से घिरा होता है, एक पेरिकार्डियम नामक आवरण से घिरा होता है जो कि काफी मांसलदार होती है और स्पंदन होता रहता है। हार्ट का भी हमने जो है वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, इसके पिछले वाले पार्ट में जो है देखेंगे तो वहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और हार्ट की एक्टिविटी जो कार्डियक एक्टिविटी उसको भी हमने जो है अपने पिछले भाग में अपलोड किया है। तो वेंट्रल हार्ट हम लोगों में होता है जो कि पेरिकार्डियल नामक आवरण से घिरा होता है और इसमें लगातार स्पंदन की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये हम लोग का भी एक कैरेक्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि रुधिर को ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहिकाएं उपस्थित होती है, धमनियां शिराएं केशिकाएं ये उपस्थित होती है हम लोगों में, इसलिए क्लोज टाइप का होता है बंद प्रकार का होता है, यानी कि रुधिर जो है वो बंद परिपथ के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज टाइप होता है। इसके अलावा जो ब्लड का फ्लो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ही जो ब्लड का फ्लो होता है
ये ब्लड का फ्लो अगर हम डार्सल साइड की बात करें, जो पश्च भाग है पीछे की ओर, तो डार्सल साइड में जो ब्लड का फ्लो होता है वो अग्र भाग से लेकर के पश्च भाग की ओर होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। मतलब कि जो है जो डार्सल साइड है वहां पर जो रुधिर है वो आगे से पीछे की ओर बहता है, आगे से पीछे की ओर बहता है। जबकि वेंट्रल साइड की हम लोग बात करें, जो वेंट्रल साइड होता है इस वेंट्रल साइड में पीछे से आगे की ओर जो है यहां पर रुधिर का परिवहन होता है टू एंटीरियर। इसके अलावा रुधिर की बात करें, जो ब्लड होता है हम लोगों का मैक्सिमम जो ब्लड है वो रेड है। रेड इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो वो क्या नाम है हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन कार्पोसेल्स। जो रुधिर कणिकाएं होती है उस कार्पोसेल्स में जो है ये यहां पर उपस्थित होती है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाने के कारण रुधिर जो होता है लाल होता है और वो जो है कणिकाओं में घुलनशील होता है, जिसको हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, जो है लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज और होता है हीमोग्लोबिन जो हम लोग का आरबीसी होता है वो आरबीसी, हालांकि कुछ में अलग अलग होता है, लेकिन अगर मनुष्य की बात हो तो मनुष्य के आरबीसी जो होता है वो वहां पर जो केंद्रक नहीं पाता, केंद्रक भी होता है। ये हमने जो ब्लड का है, ब्लड के बारे में भी जो हमारा एक वीडियो है वो पीछे हमने जो इसको अपलोड किया है उसको भी आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप या फिर जो टाइप्स ऑफ ब्लड है उसको हमने पूरा जो है वहां पर समझाया है। तो यहाँ पर जब रुधिर होता है कॉर्डेट्स में वो लाल रंग का होता है, यूजली हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन जो है शामिल होता है कार्पोसेल्स में, तो जिसके कारण जो होता है हमारी लाल रुधिर कणिका होती है लाल रंग की दिखाई देती है। इसके अलावा जो है टेल्स, जो पूछ होता है, यही पैदा कहोगे कि हम लोगों में तो पूछ पाए नहीं जाते हैं, मनुष्य पूछ पाए नहीं जाता है, तो किसी किसी बच्चों में उपस्थित होता है, उसको वेस्टिजियल आर्म कहते हैं, यानी कि कभी पहले कभी रहा होगा ऐसा माना जाता है, पहले कभी रहा होगा जो अब नहीं है क्योंकि अब वो अवशेष के रूप में अगर किसी किसी बच्चों में टेल आ भी जाता है तो उसको ऑपरेशन से हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो टेल का पाया जाना भी जो है ये हम लोगों के जो विशिष्ट जो है लक्षण में आता है कि यहाँ पर जो टेल उपस्थित होता है क्योंकि नोटोकार्ड से सधा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पर जो है हम लोगों के जो कुछ जनरल कैरेक्टर है कार्डेट्स में, उस कार्डेट्स के बारे में बताएं। अभी बात करते हैं कार्डेट्स में कि कितने उसको फिर डिवाइड किया जाए। ये तो कार्डेट्स है, अभी एग्जाम्पल जैसे कार्डेट्स में आते कौन से, तो कार्डेट्स में जैसे छिपकली है या चूहा है, मेढक है, हम लोग हैं, मछलियां हैं, तो ये सभी के सभी जो होते हैं कार्डेट्स में आते हैं। तो अगर कार्डेट्स को समझना है तो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर ले, तब उसको फिर डिटेल में पढ़ा जाएगा कार्डेट्स को। अभी तो हमने तो उसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ा, अभी उसके अंदर के जो भी उसके क्लासिफाइड किया गया उस क्लासिफिकेशन को भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा समझ जान लेते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। देखिए जो फाइनल कार्डेट्स है, अगर कार्डेट्स की बात किया जाए, इस कार्डेट्स फैमिली को जो है फाइलम को जो है तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया। जो कार्डेट्स फाइलम है इसको जो है तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम। देखिए सबसे आवश्यक होता है अगर हमें किसी चीज को बहुत ज्यादा स्टडी करना तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब एक चार्ट बना लेना, उस चार्ट के कार्डेट में पढ़ते हैं तो ज्यादा आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं, इसके लक्षण बात बताएंगे हम, क्योंकि ट्यूनिकेटा से कहते हैं क्योंकि ट्यूनिसिन नामक जो है आवरण पाया जाता है। दूसरा होता है सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। इसको जो है क्रेनिएटा भी कहते हैं। अगर हम इसको क्रेनिएटा कहते तो ये दोनों जो होते हैं यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, ये दोनों एक क्रेनिएटा होते हैं। क्रेनियम मतलब कपाल बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स। तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा जो है वो एक क्रेनिएटा में आते हैं। इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों तैयार कर रहे हैं। यूरोकार्डेट्स को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, लार्वेसिया, एसिडिएसिया
और थैलेसिया। सिफालोकारेटा में एक एग्जाम्पल रखा जाता है ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा या इसको कहते हैं एंटीऑक्सस। जो वर्टिब्रेटा कारेटा है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एग नेथा, ए मतलब एब्सेंट, नेथा मतलब जबड़े, जबड़े विहीन, नेथोस स्टोमेटा, नेथोस स्टोमेटा मतलब कि जो है मुख जबड़े युक्त होते हैं, नेथोस मतलब जास जबड़ा और स्टोमेटा मतलब माउथ, मुख जबड़े युक्त होते हैं। एग्नेथा को जो अगर हम बात करें तो यहां पर एग्नेथा जो है इसको जो है दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ये क्लास है यहां पर ही। तो इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ये जो क्लास है आज के पहला ऑस्ट्राइकोडर्मी, ऑस्ट्राइकोडर्मी और दूसरा है साइक्लो स्टोमेटा। जो नेथोस्टोमेटा है इसे दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, दो सुपर क्लास में, एक है पिसीज जिसे मछलियों का अध्ययन करेंगे, एक है टेट्रापोडा जिसमें चार पैरों वाले जंतुओं का अध्ययन करेंगे। पिसीज को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, पहला है प्लैकोडर्मी, प्लैकोडर्मी, दूसरा है कॉन्डिट फिश और तीसरा है ऑस्टिक फिश। जबकि जो है जो टेट्रापोडा है, इस टेट्रापोडा को चार क्लास में डिवाइड किया गया है, पहला एंथीरिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एवीज और चौथा है मैनेरिया। तो इस तरह से जो है एक जो फाइलम कार्डेट है इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है आगे। यूरो कार्डेटा, यूरो मतलब टेल और कार्ड मतलब नोटो कार्ड, जो नोटो कार्ड है उसके पूछ में क्यों पाया जाता है, ट्यूनिकेटस ने कहा था किसके ऊपर सही के ऊपर टेस्ट या ट्यूनिक का एक जो आवर पाता है जो ट्यूनिसिन नामक जो है कार्बोहाइड्रेट सदृश पदार्थ से बना होता है। तीन क्लास में डिवाइड किया गया, लार्जेसिया, सीडीएसिया एंड थैलेसिया। दूसरा सिफेलो, सिफेलॉन मतलब होता है हेड और कार्ड मतलब नोटो कार्ड, इसका जो नोटो कार्ड होता है वो शरीर की पूरी लंबाई फैला हुआ और हेड भाग तक यानी शीर्ष भाग तक फैला होता है, इसको नाम देंगे सिफेलोकॉरेटा। इन दोनों को एक क्रेनेटा कहते हैं क्योंकि इनका जो ब्रेन होता है वो मस्तिष्क आवरण से घिरा नहीं होता है। तीसरा होता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं, इसको क्रेनेटा के नाम से भी जानते हैं, यानी क्रेनेटा मतलब इसमें जो मस्तिष्क होता है वो कपाल गुहा में रहता है और उसके ऊपर से एक बॉक्स यानी कपाल गुहा में जो है बंद रहता है, तो क्रेनियम नाम एक बॉक्स बाहर रहता है उसी में बंद रहता है। दो ग्रुप, एक रहता है नेथोस्टोमेटा, ए मतलब एब्सेंट, नेथोस मतलब जांच, यानी जिस ऐसा कोई जंतु जिसमें जिसके मुख में जबड़े ना पाए जाए, जबड़े विहीन जंतुओं को एग्नेथा कहते हैं। दो क्लास ऑस्ट्राइकोडर्मी एंड सेकंड इज साइक्लोस्टोमेटा होता है। नेथोस्टोमेटा जो होता है, नेथोस्टोमेटा मीन्स नेथो मतलब होता है जबड़े और स्टोमेटा मतलब होता है माउथ, मुख, यानी कि जिसके मुख में जबड़े उपस्थित होते हैं उसको नेथोस्टोमेटा कहते हैं। दो सुपर क्लास में ड्रांस डिवाइड किया गया, एक किसी किसी मतलब मत्स्य मछलियों का अध्ययन करेंगे और टेट्रापोडा में चतुष्पादी चार पैरों वालों का अध्ययन करेंगे। पिसीज को तीन क्लास में डिवाइड किया गया, प्लैकोडर्मी, कॉन्डक्टिव एंड ऑस्टिक थीज में इसको डिवाइड किया गया है।
जबकि चतुष्पादी को चार क्लासेस में एम्फीबियन, इसको उभयचर कहते हैं, रेप्टाइल इसको रेंग कर चलने वाला, एविड जो पक्षी वर्ग है, और मैमिला जिसके स्तनधारी, इसके अस्तन उपस्थित होते हैं, उसको स्तनधारी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो इतना हम लोग को फाइनल कॉर्टेक्स अभी आगे पढ़ना है। तो इसके बाद जो पार्ट्स आएगा उस पार्ट्स में इसको डिटेल में जो है स्टडी किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।